सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजोडी फैशन। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक अमेजिंग सा मेकअप लुक, मैं रिक्रिएट करने वाली हूँ जो कि होने वाला है आलिया भट्ट का ब्राइडल स्पाइन मेकअप लुक आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में आपसे मेरी वीडियो मिस नहीं होगी और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। और गाइस, मैं इसलिए लेट हो गई वीडियो बनाने में, इतने दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी गाइस, बिकॉज घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट देर आए दुरुस्त आए पर आए तो। सो गाइस, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ गुड वाइब्स की कुछ रेंज, जो कि ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो कि आप मेकअप से पहले अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने मेकअप को एकदम खिला खिला दिखा सकते हैं एंड एकदम फ्रेश मेकअप कर सकते हैं इन्हें अप्लाई करने के बाद। तो एक एक करके सबका मैं आपको रिव्यू भी देते जाऊंगी एंड साथ ही साथ अप्लाई भी करती जाऊंगी। अगर इसका फुल रिव्यू देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, सभी की रिव्यू मैंने दे रखे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये विटामिन सी फेस वॉश, जो कि है गुड वाइब्स की तरफ से। ये हमारे फेस को डीपली क्लीन करेगा, साथ ही साथ हमारे फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें है विटामिन सी, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है एंड ये जेल लाइक कंटेंसीसी में है एंड इसे अप्लाई करेंगे अच्छे से, जेंटल तरीके से हम अपने फेस को वॉश करेंगे। एंड इसमें लेमन का भी फ्लेवर है गाइस, जो कि लेमन हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड समर के टाइम पे हमें इसे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। तो अच्छे से अपने फेस को मैं वॉश करूँगी इसके हेल्प से गाइस, एंड ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए जब तक मैं अपने फेस पर मसाज करती रहूँगी। एंड गाइस, ये बहुत अच्छा वाला फेस वॉश है। सो आप देख सकते हैं इसने मेरे स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो, वॉश करके आती हूँ। सो गाइस, अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस को कर लिया है वॉश। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लोई फील कर रहा है मेरा। गाइस, नेक्स्ट मैं प्रोडक्ट जो अप्लाई करूँगी वो है गुड वाइब्स का रोज हिप रोज वाटर। ये हमारे फेस को अच्छे से डीपली हाइड्रेट करेगा, साथ ही साथ हमारे फेस को फ्रेश फील करवाएगा। अगर आप थोड़ा सा डल फील कर रहे हैं, जस्ट इसे अप्लाई कर लीजिए एंड आप एकदम रिफ्रेश फील करने लगेंगे। एंड गाइस, ये रोज़ वाटर बहुत ज़्यादा ओरिजिनल प्रोडक्ट है एंड डर्मालॉजिक टेस्टेड है गाइस, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये केमिकल इसके अंदर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम नेचुरल प्रोडक्ट है। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ टोनर। सो गाइस, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का, वो है गुड वाइब्स का रोज हिप रोज सीरम। ये बहुत ज़्यादा अच्छा वाला बेस्ट प्रोडक्ट है गाइस। जैसे इसकी 2-3 ड्रॉप्स आपको अपने फेस पे अप्लाई करनी है एंड इसका वर्क ये है कि ये आपके फेस को डीपली ग्लोई करता है एंड डीपली मॉइस्चराइज करता है। अभी गाइस, जैसे कि मॉनसून का वक्त चल रहा है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है गाइस, तो मैं इसे अभी अप्लाई कर रही हूँ कुछ टाइम से एंड इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं गाइस। एकदम क्रैक फील कर रहा था मेरा फेस, ड्राई फील कर रहा था कुछ इस तरीके से, इस पार्ट पे मेरा बहुत ज़्यादा क्रैक फील कर रहा था एंड जब स्वेट आता था तो मुझे थोड़ी सी जलन फील होती थी। इसे अप्लाई करके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आपको बिल्कुल भी मेरी स्किन ड्राई फील नहीं लग रही होगी। एंड गाइस, इसे अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई करना है, जब तक अप्लाई करना है जब तक ये आपके फेस पे एब्जॉर्ब ना हो जाए अच्छे से। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लोई हेल्थी स्किन लगने लगती है इसे अप्लाई करने के बाद। एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, आप चाहें तो देख सकते हैं YouTube पे इसका रिव्यू एंड डेमो। गाइस, ये बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो फील करने लगती है हमारी स्किन। एंड जैसे कि ड्राई मेरा स्किन फील कर रहा था तो अब नहीं कर रहा है, एकदम डीपली हाइड्रेट फील कर रहा है मेरा स्किन, एकदम मॉइस्चराइज फील कर रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। सो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है गुड वाइब्स का डे नाइट क्रीम, जो कि है रोज हिप रोज वाली क्रीम। एंड गाइस, इसे अप्लाई करने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर समर में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, अभी चल रहा है समर तो गाइस मैं इसी को ही अप्लाई करती हूँ। विंटर में आप थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करें एंड समर्स में एकदम लाइट वेट मॉइस्चराइजर अप्लाई करें। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि मुझे समर्स में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, आप देख सकते हैं इसे ही मैं अप्लाई करती हूँ
एंड इसके रिजल्ट गाइस मैं आपको क्या बताऊं, इतने अच्छे हैं। आप मेकअप से पहले इसे अप्लाई करेंगे ना तो आपका बेस वगैरह सब स्मूथली ब्लेंड होगा, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा मॉइस्चराइज फील करती है। एंड गाइस ये हमारे स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती है। अगर आप मेकअप से पहले इसे अप्लाई करेंगे तो आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ, पर्पल पे अभी ऑफर चल रहा है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, 50% ऑफ का चल रहा है। सभी प्रोडक्ट अभी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट पे बाय वन गेट वन फ्री है गाइस, तो आप ज़रूर जा कर के वहाँ पे अपना शॉपिंग कीजिए, मज़े उठाइए, शॉपिंग का भरपूर मज़ा लीजिए। एंड गाइस बहुत ज़्यादा अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं। तो या यही थे मेरे गुड वाइब्स को लेके रेंज इनकी स्किन केयर प्रोडक्ट की। मैं आपको बताना चाहती थी कि इन प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं आप, एंड आप भी एकदम हेल्थी स्किन पा सकते हैं। एंड गाइस अगर आप इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनका लिंक दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं इन प्रोडक्ट को। एंड अभी ऑफर चल रहा है तो प्लीज़ जाके लुत्फ़ उठाइए उस ऑफर का। तो या अपनी वीडियो, तो गाइस मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी आई शेडो पैलेट, एंड इसमें से लूँगी मैं ब्लैक ब्राउन शेड, एंड उसके हेल्प से अपने ब्राउज को करूँगी फिल। तो मैं यहाँ ये ब्लैक एंड ब्राउन शेड ले रही हूँ, इन दोनों के हेल्प से अपने ब्राउज को कर लूँगी फिल। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने आईब्रोज को फिल एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से। गाइस आपको भी एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से ही अप्लाई करना है, एंड जैसा कि समर चल रहा है तो पाउडर प्रोडक्ट ही अपने ब्राउज या फेस मेकअप में अप्लाई करें। सो गाइस आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आईब्रो फिल करने के बाद। सो नेक्स्ट आईब्रो भी मैं ऑफ कैमरा कम। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, एंड इसे अपने लिड्स पे अप्लाई करूँगी एंड आईब्रोज के साइड साइड, जिससे मेरी आईब्रो को एक डिफाइन मिल जाए एंड मुझे एक आईज पे बेस मिल जाए, जिससे मेरे डार्क सर्कल भी हाइड हो जाएंगे। सो इसे अच्छे तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ गाइस, एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड करूँगी। एंड आप मैक्सोर वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही लें, तो आप देख सकते हैं मैं डैप डैप करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ, एंड हमारी ब्राउज की शेप कितनी अच्छी आ गई है कंसीलर अप्लाई करने के बाद एंड ब्लेंड करने के बाद। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों ही आईज में। सो अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे डैप डैप करते हुए, आपको रब नहीं करना है गाइस, अच्छे से डैप डैप करते हुए अपने कंसीलर को ब्लेंड करना है। सेम पैलेट में से मैं ये कॉम्पैक्ट सेट ले रही हूँ, एंड इसकी हेल्प से अपने लिड्स को कर रही हूँ सेट, एंड फ्लफी ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस। एंड आप देख सकते हैं मैंने एक ही पैलेट को यूज़ करके कितने ज़्यादा काम किए हैं अपने मेकअप में। सो अब सेम ही पैलेट में से ये दोनों ब्राउनिश शेड लेके अपने क्रीज एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से, एंड पूरे लिड्स पे ब्लेंड कर दूंगी। एंड यहाँ पे मुझे छींक आ गई थी गाइस, बिकॉज इसका जो पाउडर है वो मेरे नाक के अंदर चला गया था, इस वजह से मुझे छींक आ गई थी। सो अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसे, जितना ज़्यादा आप ब्लेंडिंग में टाइम देंगे उतना ज़्यादा आपका आई मेकअप फ्लॉलेस होगा गाइस। एंड सेम ही कलर को मैं अपने लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई करूँगी। सो गाइस ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा करनी है आपको अपने आई मेकअप में। सो आप देख सकते हैं मैं सेम ही कलर को अपने लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर रही हूँ, मतलब इस आई मेकअप में ज़्यादा कुछ काम नहीं है गाइस, जस्ट नेचुरल सा है। अब मैं यहाँ पे सेम ही पैलेट में से ये शिमरी शेड ले रही हूँ, जो कि एक शैम्पिंग शिमरी शेड है गाइस, एंड इसे मिडल लिड पे अप्लाई कर रही हूँ, लाइक एकदम लिड अपने आई के सेंटर में। अब मैं यहाँ पे किस ब्यूटी का आईलाइनर ले रही हूँ, इसकी हेल्प से एकदम थीन सा आईलाइनर ड्रॉ करूँगी, बिल्कुल पतला सा गाइस, जो कि पतला भी ना चले, हमारी आईलैश को एक हाइट मिल जाए, मतलब उसके बैंड हाइट हो जाए, इस वजह से मैंने आईलाइनर अप्लाई किया है। एंड आप देख सकते हैं कितने इजी तरीके से इससे पतले से पतला आईलाइनर ड्रॉ हो जाता है गाइस। ऐसे आईलाइनर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज इससे अच्छे तरीके से आईलाइनर अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे शीतल का मस्कारा ले रही हूँ, इसके हेल्प से अपने लैसेस को अच्छे तरीके से कोट कर लूँगी, जिससे एक वॉल्यूम मिल जाए मेरी लैस को। एंड गाइस ये 5 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा मस्कारा है, इसकी स्टोरी अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरी आगे की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं।
उसमें मैंने इसकी स्टोरी बताई है कि मुझे 5 रुपीज़ में कैसे मिला। अब मैंने यहाँ पे आई लैशेज अप्लाई किए एंड गाइज आप देख सकते हैं मैं कैसे आई लैशेज अप्लाई करती हूँ ऑफ कैमरा। आज मैंने आपको ऑन कैमरा दिखाया है कि मैं अपनी आई लैशेज कैसे अप्लाई करती हूँ। बिल्कुल इजी तरीके से अप्लाई हो जाता है गाइज, कोई भी झंझट नहीं होता है आई लैश को, बस एक तरीका आना चाहिए कि आई लैशेज आप कैसे अप्लाई करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एन वाई बे का ब्राइटनिंग प्राइमर गाइस, एंड इसमें छोटे छोटे से गोल्डन के पार्टिकल्स है जो कि ग्लो प्रोवाइड करेंगे हमारे फेस पे, एंड अच्छे से इसे अप्लाई करेंगे अपने पोर्स की तरफ फोकस करते हुए ही अप्लाई करना है एंड देन पूरे फेस पे स्प्रेड कर लेना है। और इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब मैं आईकॉन का लिक्विड हाइलाइटर ले रही हूँ एंड इसे अपने फेस पर अप्लाई करूँगी एक ग्लो के लिए, बिकॉज जो हमारा बेस मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल है गाइज, तो हमें अपना जो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोई दिखाना है मेकअप में, सो इस वजह से मैंने इस लिक्विड हाइलाइटर को अप्लाई किया है गाइज। एंड आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्लो आ गया इसे अप्लाई करने के बाद। एंड फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ, नेक पे भी अप्लाई करना ना भूले। अब मैं यहाँ पे इल्विन का फाउंडेशन लूँगी एंड इसे डॉट आउट करते हुए ही अप्लाई करूँगी अपने फेस पे एंड वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। बार बार मैं कह रही हूँ कि आप वेट ब्यूटी ब्लेंडर ही ले गाइज, ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर ना लें। ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे तो केकी पैची हो जाएगा एंड सही से फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होगा, और वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आप सामने ही रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है हमारा फाउंडेशन। एंड गाइज ये 150 रुपीज़ का फाउंडेशन है एंड आप इसकी कवरेज देख सकते हैं, मैंने लोकल मार्केट से इसे बाई किया था, इतनी अच्छी कवरेज है गाइज एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है फाउंडेशन ये वाला। एंड अपने नेक एंड अपने ईयर पे अप्लाई करना ना भूलें गाइस, अच्छे से डैब डैब करते हुए ब्लेंड करें, रब ना करें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे सेमी कंसीलर ले रही हूँ एंड इसे अपने डार्क एरिया पे अप्लाई कर लूँगी, लाइक माय अंडर आई, फोरहेड, नोज एंड माउथ के अराउंड, जॉ लाइन के तरफ। अब सेमी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लूँगी। एंड कंसीलर अप्लाई करने पर आप डिफरेंस देख ही सकते हैं, एक तरफ कितना ज़्यादा डार्कनेस लग रहा है, एक तरफ कितना ज़्यादा मतलब हाइड हो चुका है हमारा डार्कनेस, तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ डिफरेंस। सो अच्छे से डैब डैब करते हुए ब्लेंड कर लेंगे इसे भी। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये पर्पल का बी ऑन बी एफ एफ कॉम्पैक्ट विद एस पी एफ गाइज, ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल कॉम्पैक्ट है एंड पर्पल पे चल रही है सेल, सो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं, बाय वन गेट वन भी फ्री आपको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फ्लफी ब्रश के हेल्प से इसे पिक किया एंड डैब डैब करते हुए मैं अपने फेस को सेट करूँगी। डैब डैब करके सेट करेंगे ना गाइज तो आपका फाउंडेशन एकदम लॉक हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, अगर रब करेंगे तो आपका फाउंडेशन निकल जाएगा। सो अब मैं सेमी पैलेट में से ब्राउन शेड ले रही हूँ, छोटे मिनी फ्लफी ब्रश के हेल्प से अपने फेस की कॉन्टोरिंग करूँगी एंड आप कॉन्टोरिंग देख सकते हैं मैं किस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ कर रही हूँ गाइस, जिससे मेरा फेस एकदम लिफ्ट अप हो जाए, बिकॉज इतनी सारी हमारे फेस पे लेयर ले लगी हैं तो उससे हमारा फेस फ्लैट हो जाता है, कॉन्टोरिंग करने से एक शेप मिल जाएगी हमारे फेस को गाइस। सो अच्छे से कॉन्टोरिंग करेंगे अपने जो लाइन पे भी, फोर हेड पे एंड अपने नोज़ को भी सेम ब्रश के हेल्प से ही मैं कॉन्टोर करूँगी गाइस, थोड़ा सा ब्रश को पिंच करेंगे एंड देन अपने नोज़ को कॉन्टोरिंग करेंगे एंड आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पतली लगने लगी नोज़। अब मैं यहाँ पे सेमी पैलेट में से दोनों पिंक एंड डार्क पिंक शेड को लेकर के एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से। मैं यहाँ पे ब्लश अप्लाई कर रही हूँ गाइस, आप देख सकते हैं एकदम नेचुरल लगता है एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अप्लाई करेंगे ना तो आपका ब्लश भी लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा एंड एकदम लॉक हो जाएगा, सो आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ये सुपर फिट का हाइलाइटर ले रही हूँ एंड इसमें से ये पिंक एंड सिल्वरी शेड को लेकर के अप्लाई करूँगी अपने हाइलाइटर पॉइंट पे, लाइक चिक्स, नोज, माउथ के अराउंड एंड फोरहेड एंड चिन पे। एकदम नेचुरल हाइलाइटर है, बिल्कुल भी इसमें चंक्स नहीं है गाइस, एकदम नेचुरल लगता है इसे अप्लाई करने के बाद। अब पतले ब्रश के हेल्प से मैं यहाँ पे अपने इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूँगी। इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट करना ना भूलें
अगर आप हाईलाइट करेंगे तो एकदम पॉप ऑप हो करके आपके आईज दिखेंगी। अब मैं यहाँ पे ये इनसाइड की लिक्विड इंक ले रही हूँ लिपस्टिक, इसमें मेरे को शेड नहीं पता गाइज, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसका शेड। सो इसे कुछ इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है अपने आउटलाइन करते हुए लिप्स की। अब मैं यहाँ पे ग्लिटर प्लस की लिपस्टिक ले रही हूँ गाइस, लाइट पिंक की शेड है, इसे अपने लिप्स के सेंटर में लगाऊंगी। आई नो उन्होंने एकदम न्यूड लिप्स रखे थे आलिया भट्ट ने, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस पर टचअप दे करके पिंक की तरफ गई हूँ। अब मैं यहाँ पे हुडा ब्यूटी रोज़ वाटर मेकअप सेटिंग स्प्रे ले रही हूँ। अब इससे अपने फेस को कर लूँगी सेट, ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से थोड़ा सा डैप डैप कर लूँगी। देयर इज़ माय फाइनल फिनिश लुक गाइस। अब बताएं आपको कैसा लगा मेरा ये लुक, एंड इसमें मैंने थोड़ा सा जुगाड़ किया है ज्वेलरी में। सो आप देख सकते हैं एकदम आलिया भट्ट की तरह ये मेकअप लुक रिक्रिएट हुआ है। एंड आपको कैसा लगा मेरा ये लुक प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब कमेंट माय चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।